Hello everyone, welcome to our channel Study Central. Last के videos में हमने अपना first chapter complete किया Indian economy on the eve of independence की India की economy independence के time पे जो colonial rule था उसके time पे कैसी थी. आज हम अपना start करेंगे second chapter 5 year plans. अब last के video को थोड़ा revise करते हैं कि उसमें क्या क्या था. अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी एक्सपोर्टेशन और अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए. ठीक है, इसके लिए हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो पूरे बैकवर्ड हो चुके थे और हमारी जो पूरी इकोनॉमी जो हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स जो इंडियंस के लिए छोड़ के गए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो कम्प्लीटली स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी. उसमें कोई मीन्स ऑफ मतलब बोल सकते हैं कि बढ़ोतरी या कुछ दिख नहीं रही थी हम इंडियंस को कि हम अब करें क्या. कोई आसार नहीं थे हमारे पास जिससे हम अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल कर लें. ना हमारे पास फाइनेंस था, ना हमारे पास रिसोर्सेज बचे हुए थे अच्छे, और ना ही हमारे पास उतना पावर था लोगों के पास कि वो कुछ फटाफट से कर पाए. तो अब हम ये सोच सकते हैं कि इंडियंस को उस टाइम पे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक चमत्कार की ज़रूरत थी. ये ही एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर पाता है, क्योंकि बिना चमत्कार पे इतनी बैकवर्ड, इतनी स्टैग्नेंट इकोनॉमी को आगे लेके जाना इंडियंस को बहुत बड़ी एक चुनौती, चैलेंज था. तो उस चैलेंज को मीट करने के लिए, अब हम इंडियंस भी थोड़े अच्छे हैं, चैलेंज को पार कर लेते हैं, तो उन्होंने लेके आए वो इंडिया में 5 ईयर प्लान्स. ये चैप्टर अब हमें ये पढ़ना है कि जो कचरा ब्रिटिशर्स फैला के गए थे उसको हम इंडियंस ने कैसे समेटा. तो इसके लिए इंडिया की जो इकोनॉमी थी या जो इंडिया के जो मिनिस्टर्स थे जो देख रहे थे, वो क्या लेके आए, एक प्लानिंग कमीशन लेके आए. प्लानिंग कमीशन यानी वो कि हम अब सब एक साथ बैठ जाएंगे डिसीजन लेने, तो किसी का डिसीजन किसे कोई सेटिस्फाई नहीं होगा या एक भीड़ भाड़ हो जाएगी, कोई किसी का सुनेगा नहीं. इसके लिए एक प्लानिंग कमीशन आई थी इंडिया में. वो प्लानिंग कमीशन आई थी 1950 में. उसने क्या किया, उसके बाद से जो वो प्लानिंग कमीशन अब छोटे छोटे पैमाने पर छोटे छोटे प्लान्स, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे एरियाज को लेके प्लान्स बनाने लगी कि पहले हमें एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है, फिर एजुकेशन को, फिर इंडस्ट्रीज को, फिर एनवायरनमेंट को. वो प्लानिंग कमीशन जो सबसे बदतर हालत उनको जिस सेक्टर में दिखती थी उसके लिए वो प्लानिंग करते थे कि कैसे हम इसको सही करें. ठीक है, इसके लिए प्लानिंग कमीशन लेके आए थे 1915 में, जो अब इंडिया की इकोनॉमी को सही करने वाली थी. तो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी उस टाइम पे. वो प्लानिंग कमीशन क्या करती, इकोनॉमी की प्लानिंग करती कि कौन से सेक्टर में कैसे हम अब उसको कंडीशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एकदम से तो हम उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं ला सकते थे. तो फॉर श्योर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना था. तो जो सबसे इनिशियल, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो छोटे छोटे करके वो आगे लेके गए. तो प्लानिंग कमीशन जो थी वो इकोनॉमिक प्लानिंग करती थी और उस प्लान्स को फॉलो करती थी ताकि छोटे छोटे टारगेट्स हम रख के उसको अचीव करके एक स्टेप आगे लेके जाएं. तो इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रियोरिटीज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्रियोरिटी है, जिस सेक्शन को हमें ज़्यादा ध्यान देना है उस पर वो पहले ध्यान देते थे. अब हमारे पास उस टाइम पे जो रिसोर्स बचे हुए थे अब हम सब उसको यूज करने लगेंगे, सो हॉच पॉच हो जाएगी और किसी को बेनिफिट नहीं होगा. इसके लिए एक हायर अथॉरिटी रहती है जो सबको गाइड करेगी कि कैसे कहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि जो वर्क है वो अच्छे से जाए. बोलते हैं ना कि प्लान्स अगर हम बनाते हैं तो हम उस वे में जाते हैं, वैसे इकोनॉमिक प्लानिंग जो भी हमारे कंट्री के रिसोर्स होते थे उसको इस तरीके से प्लान करती थी ताकि वो हर सेक्शन को बेनिफिट दे और जो हमारी उस टाइम पे प्रायोरिटीज हैं कि जिसको फुलफिल करना है वो पहले अचीव हो जाए. इसके लिए वो लेके आई थी इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, जो कि 1950 में लेके आई थी. अब हमें थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि इतने कचरा होने के बाद इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया हम इंडियंस को कैसे आया, कि कैसे उनको लगा कि एक प्लानिंग कमीशन होनी चाहिए जो कि ये सारे डिसीजन लेगी कि आगे इकोनॉमी में क्या स्टेप्स लेने वाले हैं. तो पहले सोवियत यूनियन थे पहले इंडिया में, जो 1928 में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग लेके आए थे.
वो इकोनॉमी की प्लानिंग करते थे और उस हिसाब से अपने कंट्री को चलाते थे। उनकी प्लानिंग का ऐसा था कि सिर्फ जो स्टेट है, सेंटर है, उसके पास ही पावर्स रहेंगे सारे डिसीजन और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन करने के। मार्केट जो भी रहेगा वो फ्री नहीं रहेगा, मतलब जो डिसीजन जैसा चाहेगी स्टेट कि ये सामान यही बेच पाएगा या इसके पास इतना सामान जाना चाहिए या ये ही हम प्रोड्यूस करेंगे, ये सारा सोवियत यूनियन के पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिर्फ स्टेट को पावर रहता था, इंडिविजुअल्स को नहीं था। और इंडिविजुअल को उसको उस वो जैसा स्टेट ऑर्डर करता है वैसे फॉलो। वैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में स्टेट पूरा पावर नहीं रखता, आधा पावर रखता है सेंटर या स्टेट, और बाकी हम इंडियंस फ्री हैं, हम फ्री मार्केट फोर्सेस में चलते हैं कि जो हमें जो जैसा प्रोड्यूस करना है, जो बिजनेस करना है, हम उस पर फोकस करेंगे। लेकिन उस टाइम पे सोवियत यूनियन थे वो स्टेटिज्म फॉलो करते थे कि सिर्फ सेंटर ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेगा। तो ये जो था उस टाइम पे बहुत सक्सेस हुआ था सोवियत यूनियन का ये प्लान। तो हम इंडियंस को उनसे ही आइडिया मिला था, उनकी सक्सेस देखने के बाद ही हम इंडियंस लेके आए थे प्लानिंग कमीशन 1950 में, 1951 से ये काम करना स्टार्ट कर दी। और अगर अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या ये प्लानिंग कमीशन अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो हाँ ये एग्जिस्ट करती है। फरवरी 2015 में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके चेयरपर्सन उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये छोटे छोटे प्लान्स बनाती है इकोनॉमी से रिलेटेड, कि इकोनॉमी को वो मेजर करती है कि डेवलपमेंट कहाँ है, कहाँ ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है, और वो सारे सेक्शंस को लेके एक साथ हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम करती है। तो प्लानिंग कमीशन तब से चली आ रही है और अभी भी इवन स्टिल वो एग्जिस्ट करती है और वो रेगुलेट करती है पूरे इकोनॉमी के फोर्सेस को। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ, बोलते हैं ट्रेलर था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि जो प्लान्स थे वो कैसे कैसे बने, कैसे कैसे एग्जीक्यूट किए गए और क्या क्या सक्सेस उन प्लान से हम इंडियंस को मिली। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।